welcome to this episode of MBBS Abroad, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about what is the admission process to study MBBS abroad, right? And NEET के result के बाद एक बहुत बड़ा chunk है जो हर साल लाखों बच्चा MBBS abroad के लिए जाता है. MBBS abroad का जाने का एकमात्र सबसे main reason होता है, that is affordable MBBS, because India में जो private colleges हैं, they're very expensive. और हम ऑलरेडी कई बार ड्रॉप ले चुके हैं, अब वो अंदर से वाइब और फीलिंग नहीं आ रही है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो उस केस में स्टूडेंट्स मूव टू एमबीबीएस अब्रॉड. तो नाउ व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस. सबसे पहली चीज़, आपको एमबीबीएस यूनिवर्सिटी और कंट्री चेक करनी पड़ेगी, राइट? उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइडेंस. एलिजिबिलिटी 50% टाइम होना चाहिए कई सारी कंट्रीज़ में. कुछ कंट्रीज़ लैंग्वेज टेस्ट लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं. मिनिमम 17 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपका नीट क्वालिफाई होना जो है वो मस्ट 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 है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स टू अपेयर फॉर एन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी एलिजिबल टू स्टडी इन देयर कंट्री, राइट? उसके अलावा स्टूडेंट को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट? ये हर कंट्रीज के साथ वेरी करता है, राइट? एंड नीट का स्कोर कार्ड, राइट, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट क्वालिफाई होना. देन उसके बाद आपको उस इंडिविजुअल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी विद ऑल एक्यूरेट डिटेल्स एंड अवॉइड एनी एरर्स और डिसेप्शन वाइल प्रोवाइडिंग योर पर्टिकुलर्स, राइट? तो ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है, राइट? उसके अलावा उसी की स्कैन कॉपीज जो हैं अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और फर्दर स्ट्रेथन के लिए आपकी प्रोफाइल के लिए जो है वो आपको उनको कहीं ना कहीं सेंड करनी पड़ती है. डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th होता है, नीट का स्कोर कार्ड होता है, राइट? कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा पे एप्लीकेशन फीस होती है, मतलब आपको अपलोड करनी पड़ती है एप्लीकेशन के टाइम पे. देन उसके बाद सक्सेसफुली जब हो जाता है तो आपका प्रोफाइल वेरीफाई करते हैं. देन उसके बाद आपका पासपोर्ट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द कंसर्न्ड एम्बेसी टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा. कॉलेज आपका प्रोफाइल देखता है, आपको एडमिशन देता है, आप फीस सबमिट करते हो, फीस सबमिट की रिसीप्ट के बेसिस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो पासपोर्ट के साथ, सारी चीज़ों के साथ, एंड देन यू गुड टू गो फॉर द एडमिशन. बट यूजुअली क्या होता है कि इंडिया में हम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमेशा किसी काउंसलर, किसी एजेंसी, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो एजेंट या वो काउंसलर चूज करते टाइम यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट? बिकॉज आपका डेटा हो सकता है लोगों के पास हो, दे कीप ऑन कॉलिंग या हम आपको एमबीबीएस अब्रॉड करा देंगे. क्या सही प्लेटफॉर्म है, कई बार गलत यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अगर आप जिससे भी कनेक्ट हो, मेक श्योर कि आप एक सही प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो. और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कहीं हेल्प चाहिए, कहीं और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. वीज़ा मिल जाता है, एम्बेसी अप्रूव कर देती है, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर कॉलेज. सो दैट्स दी प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, राइट? एंड बाकी कोई भी सवाल है प्लीज़ आप रीच आउट करें, अपने सजेशंस, अपने अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूं फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपार्ट फ्रॉम इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.